अयोध्या जनपद से क्षय रोग पूरी तरह से समाप्त हो सके इसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जनपद में क्षय रोगियों की खोज के लिए आगामी 10 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाया जाएगा। जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि समाज में यदि किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से खांसी आ रही है तो उसे नजदीक के टीबी जाँच केंद्र पर ले जाकर उसकी जाँच कराए, जिससे उसकी पहचान हो सके और उसका सही से इलाज हो सके। उन्होंने बताया कि जनपद में 2 सीबी नोट मशीन कार्यरत है, जिसमें एक जिला क्षय रोग मुख्यालय पर और दूसरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली पर क्रियाशील है। उन्होंने बताया कि माह अगस्त 2019 में डीटीसी पर 212 और रुदौली में 233 जांचें की गई। करके 23 अक्टूबर के बीच में सक्रिय क्षय रोगी की खोज अभियान जो है जनपद में संचालित होना है, ये शासन के जो निर्देश है उसके क्रम में है। इसका उद्देश्य ये है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मीटिंग का ये उद्देश्य है कि हमारे समाज में, परिवार में, कहीं भी आसपास कोई भी ऐसा रोगी है जिसको 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, तो उसके निकट का जो हमारा टीबी का जाँच केंद्र है उन पर ले जा करके उनकी बलगम की जाँच अवश्य कराएँ। ऐसा करने से जो भी हमारे रोगी हैं उनकी पहचान हो जाएगी और उनका ट्रीटमेंट सही समय पर किया जा सकेगा। यदि किसी भी रोगी को हम सही समय पर पहचान लेते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनके परिवार के लोगों को, उनके आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, उनके आसपास जो रहने वाले समाज के लोग हैं, उनके लिए भी जो टीबी का खतरा है वो काफ़ी कम हो जाता है।